तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इस एग्जामिनेशन में, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट द टाइम दैट इज द एक्स एक्सिस वर्सेस द डिस्टेंस दैट इज द वाई एक्सिस ग्राफ इज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हैज 45 डिग्री पॉजिटिव स्लोप हैज 45 डिग्री नेगेटिव स्लोप। तो ये क्वेश्चन फिजिक्स 9th क्लास की फिजिक्स से पूछा गया है। इसमें हमको बताया गया है कि भाई एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है और आपने उसका टाइम और डिस्टेंस का अगर ग्राफ प्लॉट किया जिसमें आप टाइम जो है एक्स एक्सिस पर लेकर चल रहे हैं और डिस्टेंस जो है वो आप वाई एक्सिस पर लेकर चल रहे हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है यानी कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो उस केस में इन चार में से कौन सी बात जो है वो सच होगी? आपका जो टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ है एक्स और वाई एक्सिस पर वो वर्टिकल आएगा, वो हॉरिजॉन्टल आएगा, वो 45 डिग्री पॉजिटिव स्लोप के साथ ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर वो 45 डिग्री नेगेटिव स्लोप के साथ में नीचे की तरफ आता हुआ होगा। तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन अगर टिक करना है उसके पहले हमें एक्स और वाई एक्सिस पर टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया जैसे इन्होंने बताया और वाई एक्सिस पर हम लोगों ने डिस्टेंस ले लिया। अब अगर लेट से कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी ये पोजीशन है और वो रेस्ट पर है यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसके साथ में उसकी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है इसका मतलब यही होता है कि आप जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता चला जाएगा तो टाइम के साथ में आपकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करेगी। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखें, टाइम की वैल्यू उस तरफ बढ़ रही है और उसके साथ में ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। यानी कि ये लाइन कैसी हो गई, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गई, या फिर अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कि अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर है तब अगर आपने टाइम को एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया, डिस्टेंस को आपने वाई एक्सिस पर प्लॉट किया, तो उसका जो ग्राफ आने वाला है वो आपका हॉरिजॉन्टल आने वाला है। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। एंड जिस व्यक्ति ने आपका, फिर घूम फिर कर हम लोग फंडामेंटल्स पर आ गए, एनसीईआरटी 9th क्लास की फिजिक्स, 9th क्लास की जो साइंस की किताब है उसमें जो फिजिक्स का चैप्टर है, आपका मोशन वगैरह से रिलेटेड जो चैप्टर है, अगर वो पढ़ रखा है उसमें ये सारे ग्राफ्स को डिस्कस किया है, उससे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। या फिर अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो फिर ये क्वेश्चन करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, लंबे वक्त से साइंस से टच में नहीं है, तो उसके लिए यस, अगर आपने एनसीईआरटी 9th क्लास में साइंस का वो चैप्टर जो पढ़ा है जिसमें आपका मोशन वगैरह के बारे में डिस्कस किया गया है, तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें हमको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमको फिर ये बताना है कि उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है उसमें बोला गया है अ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, ये पहला आपका स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट है डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड यानी कि आपका NaCl कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। तो ये दो स्टेटमेंट्स हमको दिए हुए हैं। पहले वाले में बोला गया है कि किसी सब्सटेंस को दूसरे तरीके के मैटर से आप कोई भी फिजिकल प्रोसेस लगाकर अलग कर सकते हैं, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा ये कि अगर आपने वाटर में सोडियम क्लोराइड को घोल रखा है, कॉमन सॉल्ट या नमक आप जिसे कहते हैं NaCl, उसको अगर आपने घोल रखा है तो उसको आप वाटर से अलग कर सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। ऑप्शंस आपको चार दिए गए हैं कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट सही है, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, दोनों पहले और दूसरे स्टेटमेंट सही है, या फिर पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसका हम लोग आंसर तब दे सकते हैं जब हम लोगों ने 9th क्लास में आपका सोल्यूशन चैप्टर को पढ़ रखा है। एनसीईआरटी के 9th क्लास की साइंस की किताब के सॉल्यूशन चैप्टर को अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। इसमें हमको बताया गया है कि कई बार क्या होता है कि कुछ आपकी प्रोसेसेस होती हैं जिसकी मदद से आप अगर अलग अलग तरीके के मैटर्स हैं तो उनको फिजिकल प्रोसेसेस वगैरह की मदद से अलग कर सकते हैं, मगर हर बार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर सब्सटेंसेज वगैरह केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए हैं तो फिर उस केस में फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग उनको अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग दूध और से चाय वगैरह बनाने की बात करें, तो एक बार जब दूध में चाय की पत्ती डल गई, उसमें शक्कर डाल दी गई है और नीचे से आपने उसको बर्नर पर रख कर चाय अगर बना ली है, तो उसके बाद में आप कोशिश करें कि फिर से इस प्रोसेस को रिवर्स किया जाए, कोई फिजिकल प्रोसेस लगाकर दूध अलग कर लिया जाए, चाय की पत्तियाँ
का जो फ्लेवर आ गया है, जो रंग आ गया है, वो अलग हो जाए और जो शक्कर हम लोगों ने डाली थी वो क्रिस्टलाइज होकर अलग मिल जाए। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा किसी फिजिकल मेथड से। केमिकल प्रोसेस के थ्रू किया जा सके तो किया जा सके, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट ये फिजिकल प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो जो है वो गलत हो गया कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिले हुए हैं, मैटर के अगर सब्सटेंसेस मिले हैं तो उनको आप कोई फिजिकल प्रोसेस लगाकर अलग कर सकते हैं, ये तो गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो ये ऑप्शन कट गया कि वन सही है या बोथ वन एंड टू सही है, दोनों ऑप्शन आपके कट गए। अब या तो ये सही है या फिर ये सही है, यानी कि या तो सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है या फिर दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो उसके लिए अब हम लोगों को सेकंड स्टेटमेंट पे आना पड़ेगा, डिजोल्व सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। डिजोल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। तो अगर हमने नमक को पानी में घोल रखा है तो उसको हम लोग इवापोरेशन की प्रोसेस की मदद से अलग कर सकते हैं, ये तो हो सकता है, तो वैलिड प्रोसेस बात है कि जब ना हमको समुद्र से जो पानी होता है उसमें से नमक अलग करना होता है तो उसके लिए हम लोग इवापोरेशन की प्रोसेस का इस्तेमाल करते ही करते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर थर्ड, वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, इसमें हमसे पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये जो चार स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। पहला दिया गया है कि एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पजेस। सेकंड, आइसोबार्स आर द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। थर्ड, मास नंबर ऑफ एन एटम इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। एंड फोर्थ इज द वैलेंस, फोर्थ वाला है कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। अब हमको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये ध्यान रखने वाली बात है, चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो अब एक एक करके हम लोग इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करते हैं। एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पजेस। एक एलिमेंट को अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर एक न्यूट्रल एटम के लिए या फिर एक न्यूट्रल एलिमेंट के लिए अगर हमको डिफाइन करना है तो वो होता है या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने उसमें होते हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने उसमें होते हैं, जो भी वैल्यू आप लेकर चलना चाहें। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, बेसिकली ये एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन की बात कर रहा है, तो ये तो सही है स्टेटमेंट, यानी कि अपने आंसर के लिए ये सही जवाब नहीं है, क्योंकि अपने को गलत स्टेटमेंट पकड़ना है यहाँ पे, तो अपने आंसर के लिए सही जवाब नहीं है। आइसोबार्स आर द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ये गलत है। इसका रीजन ये है कि आइसोबार्स वो एलिमेंट्स नहीं होते हैं या फिर वो एटम्स नहीं होते हैं, आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं या वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। आइसोबार के केस में इसकी उल्टी कहानी होती है कि उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं मगर एटॉमिक मास सेम होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड वाले की बात करते हैं, मास नंबर ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये तो एक सीधी सीधी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि मास नंबर का मतलब होता है कि एक न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कंबाइन तौर पर न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, तो ये तो एक सही स्टेटमेंट है, सीधी सीधी डेफिनेशन है। और चौथा वाला है वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एक एटम की जो वैलेंसी होती है ये उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को डिफाइन करती है कि उसकी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की कैपेसिटी या फिर टेंडेंसी कितनी है। सही स्टेटमेंट है, केमिकल बॉन्डिंग का स्टेटमेंट है। तो इन चार स्टेटमेंट्स को देखने के बाद हमें पता चला कि पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यानी कि आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना सेकंड स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन करने के लिए हमको केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। फिर बात वही आ गई जिसने 9th-10th की केमिस्ट्री पढ़ रखी है, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में नॉलेज है, एटॉमिक नंबर मास नंबर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें पूछा गया है, इफ द स्पीड ऑफ अ मूविंग मैग्नेट इनसाइड अ कॉइल इंक्रीजेस देन इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल इंक्रीज डिक्रीज रिवर्स और रिमेन्सिंग। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पूछा गया है जिसके बारे में 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, आपका इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर जो चैप्टर है उसमें से इस क्वेश्चन को पूछा गया। ये क्वेश्चन बेस्ड है फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फेनोमेना है उसमें यह बताया गया है कि अगर आपके पास में कोई एक कॉइल है या फिर कोई एक सर्किट है और उस सर्किट में अगर आप एक मैग्नेट को मूव कराते हैं तो जितना ज्यादा उस मैग्नेट का मूवमेंट होगा उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू उस कॉइल में बढ़ती चली जाएगी। पहले तो उस
मैग्नेट के मूवमेंट के कारण उस कॉइल में एक इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस होगा, और उसके बाद में जितना ज्यादा उस मैग्नेट की वेलोसिटी या उसका मूवमेंट आप बढ़ाओगे, जितना तेज उस मूवमेंट को कराओगे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल करंट उसमें बढ़ता जाएगा। कन्वर्सली जितना स्लो आप इसे करवाओगे उतना कम वो होता चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना के बारे में पता होना जरूरी है। अब जैसा कि इसमें बताया गया है कि अगर आपके पास में एक कॉइल है और उस कॉइल के साथ में आप एक मैग्नेट का मूवमेंट, कॉइल के रिस्पेक्ट में आप एक मैग्नेट को मूव कराते हैं, तो उसके कारण उस कॉइल में एक इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस होता है और वो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाता है। अगर आप उस मैग्नेट के मूवमेंट का आप उस मैग्नेट के मूवमेंट को बढ़ाते चले जाएं, तो सीधी सी बात है यहाँ पर, क्योंकि ये लोग मूविंग मैग्नेट जो है उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, उसके मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं, तो जो करंट है डेफिनेशन जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। तो जिसने 10th क्लास का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर या फिर मोर कॉमनली जिसमें से इलेक्ट्रिकल जनरेटर मोटर्स के बारे में बात की गई है वो चैप्टर रीड किया है, उसको ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई खास मुश्किल काम नहीं होगा। सो दिस इज द फेनोमेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसके बेसिस पर यह सवाल पूछा गया था। फर्स्ट वन और द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है उसमें भी हमको बोला गया है कि हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, और चार स्टेटमेंट्स हमको दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देते हैं। द प्रेसिडेंट टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, CJI शॉर्ट टर्म में लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट है वाइस प्रेसिडेंट टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। तीसरा स्टेटमेंट है CAG दैट इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन लाइक मैनर इज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड टू द CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये चार स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और हमको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पता करना है कौन से हैं, और नीचे हमको चार ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD, इसमें से हमको फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं वो वाला ऑप्शन हमको टिक करना है। तो पहला स्टेटमेंट की हम लोग बात करें कि प्रेसिडेंट टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये गलत है। प्रेसिडेंट को जब रिजाइन करना होता है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट के नाम लिखते हैं, और इसी तरह अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होता है तो वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट के नाम लिखते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया कि प्रेसिडेंट टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है। इसी तरह जब वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होता है तो वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट के नाम लिखते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। तीसरा, CAG इज रिमूव्ड दैट इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन लाइक मैनर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को उनकी पोस्ट से आपको हटाना है तो उसके लिए आप उसको वही प्रोसेस या वही प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनकी पोस्ट से हटाने के लिए अपनाई जाती है। यह स्टेटमेंट भी गलत है। CAG को हटाने के लिए आपको प्रोसेस वो अपनाना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए अपनाया जाता है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया। और फोर्थ वाला आता है अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को अगर रिजाइन करना है अपनी पोस्ट से तो वो अपना रेजिग्नेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम लिख दें और रिजाइन कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और अगर उन्हें रेजिग्नेशन करना है तो फिर उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम ही अपना रेजिग्नेशन लिखना होगा। तो इस तरह से हमको पता चला कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट जिस जिसमें आ रहा हो आप उन सबको हटा सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इसमें आ रहा है, सेकंड स्टेटमेंट इसमें आ रहा है, तो ये तो दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते। 1, 3, 4 आपका डी वाला ऑप्शन है, तो ये आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स तीनों इसमें आ रहे हैं, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पकड़ के बताने हैं। इन दिस मैनर ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इसमें हमको स्टेटमेंट दिया है राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन इन, और चार ऑप्शंस दिए हैं कि राज्यसभा के पास इन चार में से कौन से ऑप्शन में एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि जब तक राज्यसभा उसमें इजाजत नहीं देगी तब तक आगे आप काम नहीं कर सकते हैं, इसको आप एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। तो चार जो ऑप्शंस है, पहला वाला है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स बनाने में, दूसरा है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, एंड चौथा है ऑथोराइजिंग द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट। सबसे पहले हम लोग पहले ऑप्शन की तरफ बात करते हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स का जो पूरा प्रोसेस है उसमें पार्लियामेंट का रोल आता है, यानी कि लोकसभा का भी रोल आता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। उसमें राज्यसभा का रोल जरूर होता है मगर साथ ही साथ लोकसभा का रोल भी होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपना हट गया।
डिक्लेरेशन ऑफ वार, वॉर के ऊपर भी वही बात आती है कि अगर आपने वॉर डिक्लेयर करना है तो वो पार्लियामेंट का ज्वाइंट होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का उसमें इक्वल से होता है। थर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, सेम बात इसके लिए भी आती है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगती है तो लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ हैव इक्वल से इन द मैटर। और लास्ट आता है ऑथोराइजिंग द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट। बेसिकली राज्यसभा करती क्या है, राज्यसभा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो इंडिया के हैं उनको रिप्रेजेंट करती है अपर हाउस में। तो अगर और स्टेट लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट उन सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होता है लॉज बनाने का। तो अब अगर स्टेट लिस्ट का कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट लॉ बनाना चाहती है तो उसका प्रोसेस ये होता है कि पहले राज्यसभा जो है उसको राज्यसभा को ऑथोराइज करना पड़ता है पार्लियामेंट को कि हम आपको पावर दे रहे हैं अपनी तरफ से कि हाँ आप स्टेट लिस्ट के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकते हैं। सो दिस इज द एक्सक्लूसिव पावर दैट हैज बीन गिवन टू द राज्यसभा कि भाई राज्यसभा के पास ये पावर है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाना चाहती है तो उसके लिए पहले उनको राज्यसभा से परमिशन लेना पड़ती है, राज्यसभा के पास उसके लिए एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो इस तरीके से अपना जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमसे पूछा गया है, इसमें हमको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जूट इज नॉट सिग्निफिकेंटली कल्टीवेटेड, यानी कि जो चार ऑप्शंस आपको दिए हैं इसमें सबसे कम मात्रा में जूट कहां पर कल्टीवेट होता है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर आप तभी कर सकते हैं जब आपने इसको रीड किया हो। तो इसमें हम लोगों के पास में गेस लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई तुक्का नहीं मार सकते क्योंकि सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, एट द सेम टाइम गलत होने के चांसेस भी 1/4 है। इस ऑप्शन इस आंसर को इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है कि आपको सही इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जूट का जो सबसे ज्यादा कल्टीवेशन इंडिया में होता है, सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होता है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के बाद में आता है बिहार, बिहार के बाद में आता है असम, असम के बाद में आता है उड़ीसा और उड़ीसा के बाद में आता है आंध्र प्रदेश। तो अगर आपको ये सीरीज पता है कि सबसे ज्यादा कल्टीवेशन वेस्ट बंगाल में होता है, फिर बिहार, फिर असम, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश, तब आप इसका आंसर दे सकते हैं कि भाई जूट इज नॉट सिग्निफिकेंटली कल्टीवेटेड इन आंध्र प्रदेश अमंग द फोर ऑप्शन। बट अनलेस एंड अंटिल यू डोंट नो दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन एंड आई विल एडवाइज यू दैट यू शुड नॉट डू द गेस मास्टर वर्क बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द राइट आंसर इज 1/4 बट एट द सेम टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रॉन्ग आंसर इज ऑल्सो 1/4। सो इधर यू नो द क्वेश्चन और यू डोंट नो द क्वेश्चन। इन केस इफ यू आर अवेयर ऑफ द आंसर देन गो फॉर इट, इन केस इफ यू आर नॉट देन डोंट ट्राई योर लक इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा गया है, इसमें हमको बोला गया है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है और चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, प्लाज्मा है या स्टेट ऑफ कंडेंस मैटर है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको अप्रोच करना है, ये क्वेश्चन वो व्यक्ति अप्रोच कर सकता है जिसने एनसीईआरटी की 9th क्लास का पहला चैप्टर जो है आपको मैटर के बारे में जिसमें बताया गया है वो पढ़ रखा है। उसमें आपको ये बताया गया है कि भाई जनरली मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, मगर चैप्टर के एंड में आपको ये भी बताया जाता है कि हाल फिलहाल रिसेंटली 2 स्टेट्स ऑफ मैटर की डिस्कवरी और हुई है, एक प्लाज्मा स्टेट है और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। सॉलिड लिक्विड गैस और प्लाज्मा स्टेट की खासियत यह है कि ये नेचुरली अकर करते हैं और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की खासियत यह है कि इसको इंसानों ने खुद बनाया है, ये आर्टिफिशियली एग्जिस्ट करता है, ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। इनकी खासियत यह होती है कि अगर आप एक सर्टेन टेम्परेचर तक किसी सब्सटेंस को कूल डाउन कर देंगे तो उनमें जो एनर्जी का इंटरेक्शन है वो मिनिमम हो जाएगा। जब एनर्जी का इंटरेक्शन मिनिमम हो जाएगा उस वक्त आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। द मोमेंट जब आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी उस वक्त आपका जो सब्सटेंस होगा उसके इंडिविजुअल एटम्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं एंड द एंटायर सब्सटेंस बिहेव लाइक अ सुपर एटम। इस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर को कहा जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और इसको हम लोग इसको नेचर में नहीं पाया जाता, इसको आर्टिफिशियली लोगों ने या फिर साइंटिस्ट वगैरह ने अपनी लेबोरेटरीज में बनाया है। सो बाय दिस वी कम दैट द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। पहले 3 स्टेट ऑफ मैटर कौन से हो गए, सॉलिड लिक्विड गैस जिसके बारे में सबको पढ़ाया जाता है, इसके बाद अगला आता है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर जो जनरली आपको स्टार्स पे देखने के लिए मिलता है,
चारों में एक कॉमन बात है, चारों नेचुरली अकर करते हैं, इंसानों का उसमें कोई किसी तरीके का कोई दखल नहीं होता। और पांचवा, दैट इज द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसकी खासियत यह है कि ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, मगर ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है, ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बाय दिस वी गेट दैट द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।